मैं करने वाला नहीं था, बट सब खास बच्चे थे और अपने ही बच्चे थे, तो मैं उनको मना नहीं कर सकता था, तो थोड़े बहुत ज्यादा हुए बट ज्यादा नहीं, उतने ही, और बाकी लोगों को मैंने रोक दिया है। और थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट यार। और दूसरी चीज, आप ये टेंशन मत लेना कि यार मैंने एडमिशन नहीं लिया, मेरा क्लास छूट गया है, ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे, जैसे कि मैं फर्स्ट क्लास ही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स रहेंगे वो सारे लेक्चर्स आपको मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, साथ ही साथ बहुत ही जल्दी। इसमें अच्छी बात यह थी कि मैंने बहुत ही वो फीस रखा था जो एक गरीब बच्चा भी अफोर्ड कर सकता था, मीन्स उसको जॉब की भी अगर नहीं है तो भी वो मैनेज करके अफोर्ड कर पाया, बहुत अच्छी बात है। तो मैं बहुत जल्दी एक नई बैच भी फिर से भी लॉन्च करूंगा, तो जितने लोग रह गए हो, मुझे व्हाट्सएप पे कई लोग लगभग 10 या 12 लोगों ने मुझे मैसेज किया है, तो जितने लोग भी रह गए हो वो टेंशन मत लो, जस्ट 1 to 2 वीक के बाद मैं जैसे ही मुझे टाइम लगता है मैं एक और बैच लॉन्च कर दूंगा, उसमें भी आप लोग आके एडमिशन ले लेना, और टेंशन मत लेना, फी भी वही रहेगा। पहले इस बैच को देखो और इसमें देखो कि मैं पढ़ाता कैसे हूँ, मैं पढ़ाने का स्टाइल क्या है। मैं हमेशा बिगिनिंग से स्टार्ट करता हूँ, मैं उस बच्चे पर क्लिक करता हूँ जो सबसे कमजोर हो, जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा हो, मुझे उसको समझाना होता है, क्योंकि बाकी तो अपने आप समझ जाते हैं उसको देख के। तो मेरी वही कोशिश रहती है, आप लाइव लेक्चर को कंप्लीट देखिए और देखने के बाद बताइएगा हाँ जी सर ये मजा आया, इसमें ये चीज अच्छा लगा, जो भी आपको जैसा भी लगा लाइव लेक्चर कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ भी कमेंट नहीं करना है तो क्या लिखना है, जय हिंद जय भारत जरूर लिखना है। तो चलिए वीडियो को फटाफट देखिए, फिर मुझे बताइएगा कैसे लगी ये वीडियो। दिस कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी रिकॉर्डेड। सो ईच एंड एवरीथिंग आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे आपके जो भी ग्रुप हमने लोगों ने अभी ऑटोकैड का ग्रुप बनाया है। होप सब लोग ग्रुप में ऐड होंगे, अगर वैसे तो कोई बचा नहीं है, बट कोई बचा होगा तो बता देगा कि सर मैं बचा हूं। और साथ ही साथ अगर ग्रुप में हम लोग ऐड हो रहे हैं तो कोशिश करना कि ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के कंटेंट हम लोग शेयर करें, और उसमें भी मैक्सिमम कोशिश करना कि हम लोग रिलेटेड टू ऑटोकैड ज्यादा क्वेश्चंस ऐड करें। रिलेटेड टू ऑटोकैड से क्या फायदा होगा, रिलेटेड टू ऑटोकैड से ये फायदा होगा कि हम एग्जैक्ट वही चीज पढ़ पाएंगे जो चीज हमको पढ़ना है। अगर हम सब कुछ एक साथ ओपन कर देंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, और क्या बोलते हैं, एक दूसरे का चैट आगे पीछे चला जाएगा। सर वीडियो नहीं विजिबल हो रहा है, एक्चुअली वीडियो विजिबल हो रहा है, अभी मैंने कुछ ऑन नहीं किया वीडियो में, अब हम स्क्रीन शेयर करेंगे तब आपको दिखेगा जो भी हम लोग करेंगे, अब सबको दिखेगा। अगर किसी को नहीं दिख रहा है इनकेस, वो मीटिंग को लेफ्ट करिएगा और फिर से वापस आ जाइएगा, तुरंत आपको दिखने लगेगा एग्जैक्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्या क्या है, सब कुछ दिखने लगेगा। यदि कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे ऑटोकैड इंट्रोडक्शन की एक पीपीटी खोलने जा रहे हैं, तो ये सबको दिखेगा ऑटोकैड की पीपीटीज। सो बिल्कुल परेशान मत होना, कोई टॉपिक लेफ्ट होता है वीडियो में कर लो कवर, फिर भी कवर नहीं होता है तो माइक ऑफ करने के लिए माइक देखो बीच में 3 बटन होगी, एक होगा वीडियो का, एक होगा कॉल कट करने का, और एक होगा आपका माइक को बंद करने का। तो ये तीनों ऑप्शन, वैसे आपको माइक वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दो, अपने आप वो म्यूट हो जाएगा माइक। ओके नाउ विजिबल, ओके गुड। सो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो हम लोग कुछ लोग होते हैं ना कि फालतू के जो मैसेज होते हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सिर्फ क्लास में कर लेंगे। सो उसको ग्रुप में नहीं भरेंगे, क्योंकि ग्रुप भरने के बाद क्या होता है, प्रॉब्लम होती है कि एग्जैक्ट जो काम के मैसेज होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसको हम लोग को ध्यान देना है। हाँ, किसी का वीडियो ऑन है सो प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर लेना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, प्लस दूसरों को डिस्टर्बेंस नहीं होता है आपके वीडियो ऑफ करने से। सो प्लीज वीडियो को ऑफ कर लेना, आपके और हमारे चेहरे की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज की जरूरत है। सो हम लोग यहाँ पे नॉलेज की बात करेंगे। कोशिश करिए कि बीच में आपके कोई कॉल वगैरह ना आए, तो आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि टॉपिक इधर उधर होता है तो आपको डिस्टरबेंस होगा। तो देखो अभी भी देखो किसी का माइक ऑफ है, सॉरी ऑन है माइक, तो प्लीज माइक को बंद कर देना। किसका माइक ऑन है, ठीक है माइक को ऑफ कर दो प्लीज। कौन है अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्योंकि ये यहाँ पे पंकज आपका माइक बंद है, सॉरी ऑन है, मैं ऑफ कर दिया, अभी कोई टेंशन मत लीजिए, मैंने ऑफ कर दिया। अभी ओम प्रकाश का माइक ऑन है, मैं उसको भी बंद कर देता हूँ। प्लीज आगे से याद रखिए, क्योंकि आज तो आपका फर्स्ट डे है, थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो रही होगी सेटिंग्स वगैरह देखने में, पर धीरे धीरे आपको भी आ जाएगा। आकाश का भी माइक ऑन है तो मैं उनको भी ऑफ कर दे रहा हूँ माइक को, तो लगभग लगभग मैंने सबका माइक ऑफ कर दिया। तो यार जो ऑटो कैड है, ये ऑटो कैड में सबसे पहले हम लोग को ये जो ऑटो है ये क्या है,
यहाँ से हम लोग को समझना चाहिए कि ऑटो क्या है, व्हाट इज ऑटो। ऑटो इन द सेंस, ये ऑटो एक कंपनी का लोगो था, देखा होगा आपने ऑटोडेस्क, ऑटोडेस्क रैबिट, ऑटोडेस्क ऑटोकैड। तो ये क्या था, ऑटो इनके कंपनी का एक लोगो था। और ये कैड क्या था, कैड मीन्स कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कई लोगों को मैंने देखा है कि उनको ये चीज पता होता है कि कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, उनको सब कुछ पता है कि कैड का फुल फॉर्म क्या होता है। प्लीज किसी का भी वीडियो ऑन है प्लीज ऑफ कर दो, क्योंकि लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है आपके वीडियो की वजह से। तो जो कैड है, कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और कभी कभी आप लोग किसी किसी एग्जाम में गए होंगे, अभी मैं एक सऊदी का एग्जाम दे रहा था, सऊदी मतलब कि दुबई में था एक्चुअली वो एग्जाम ऑनलाइन, तो उसमें लिखा था CADD, क्या लिखा था CADD। तो अब उसमें क्या था, उसमें ऑप्शन था कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। तो अगर CADD है तो मतलब क्या है, वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग है। एक्चुअल में जो ऑटोकैड है किसका सॉफ्टवेयर है, डिजाइन का या ड्राफ्टिंग का है? तो ऑफकोर्स सबको पता है ये सॉफ्टवेयर किसका है, डिजाइनिंग का नहीं है, ये ड्राफ्टिंग का सॉफ्टवेयर है। बट कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और एक और हाँ इन्फॉर्मेशन और देनी थी मुझे बहुत जरूरी, कि देखो आप में से कई लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक्स ऑटो कैड या मे भी उससे ज्यादा आता होगा ऑटो कैड। सो आप लोग ये मत समझना कि सर ये तो हमको आता है, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग बिगनर्स हैं, बिगनर इन द सेंस कि उन्होंने अभी ऑटो कैड कभी नहीं चलाया है। सो हमारा जो स्टार्टिंग होगा वहीं से होगा कि सामने वाला कभी भी ऑटो कैड देखा ही नहीं है, पहली बार ऑटो कैड देख रहा है, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास को। सो अगर किसी को लगता है कि सर मुझे तो ये सब चीजें आती हैं, सो प्लीज आप वेट करिएगा 2-4 दिन 6 दिन, जैसे उनका लेवल आ जाता है फिर हम लोग आगे जाएंगे। सो ये क्लास पूरा बिगनर्स के लिए है, जो कभी ऑटो कैड देखे ही नहीं है वहां से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, रट जाओगे इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बस ध्यान से जितना आज कराऊंगा इतना घर पे कर लेना, बस हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे जब ऑटो कैड हम लोग, एक जस्ट इंट्रोडक्शन है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा क्या होता है ऑटो एंड क्या इसके लाइक एग्जैक्टली इसका नाम कहाँ से आया। तो देखो ये क्या है, ऑटो जैसे हमने आपको बताया, दिस इज द कंपनी एंड कैड मीन्स कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑटो कैड इज अ 2D एंड 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, 2D में ड्राफ्टिंग करता है और 3D में क्या करता है, मॉडलिंग करता है। ये सॉफ्टवेयर किसने जनरेट किया, ये सॉफ्टवेयर जनरेट किया यहाँ पे जॉन वॉल्कर ने। किसने जनरेट किया इस सॉफ्टवेयर को, जॉन वॉल्कर ने। इनके साथ 20 लोगों की टीम थी, पहले ऑटोडेस्क कंपनी नहीं थी, उनकी 20 लोगों की टीम थी छोटी सी, उन लोगों ने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। 1982 में इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, कहाँ पे किया था, ये USA में किया था, कैलिफोर्निया में, एग्जैक्टली कैलिफोर्निया में एक जगह है, वहां पे ये सॉफ्टवेयर जनरेट किया गया, वहां पे ही इनका हेड ऑफिस है। और इन अनदर वे वी कैन से दैट ऑटोकैड इज अ डिजाइनिंग कोर्स, मतलब क्यों, क्योंकि डिजाइनिंग का बेस बनाता है ये। विदाउट स्केचिंग कुछ भी कर सकते हो क्या, जैसे कुछ भी आप करना चाहते हो अपने लाइफ में। अभी भी किसी का वीडियो ऑफ ऑन है, भाई प्लीज ऑफ कर दो वीडियो को, अगर वीडियो ऑफ नहीं करोगे तो दूसरों को समस्या होगी, सो प्लीज ऑफ कर दो वीडियो। थोड़ा सा ना ऐसा होता है कि माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, अगर किसी का वीडियो ऑन है तो चेक कर लो कि आपका वीडियो ऑन है क्या, सो बंद कर दो उसको। ओके, और माइक तो बिल्कुल भी मत ऑन करना, लेकिन माइक से तो बैकग्राउंड में क्या चलता रहता सब सामने आता। अच्छा इसमें माइक चल रहा, इसमें वीडियो चल रहा है, इसका चल रहा है ये वीडियो, अच्छा इनका चल रहा है। वीडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज, थोड़े से समय, नाम नहीं दिखा रहा है इस पे यार। आकाश खुदयाल जी आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, आपका वीडियो ऑन है प्लीज। वीडियो बीच में देखिए एक बटन होगी वीडियो की, उसको ऑफ कर दीजिएगा, हो गया। एक दिन मैनेज करने में आप सबको जाएगा, धीरे धीरे सबको सेटिंग समझ आ जाएगी, तो सब मैनेज हो जाएगा सबको। देखिए आपको बीच में एक बटन होगी आकाश कुदयाल जी, आपके बीच में एक बटन होगी, उस बटन में वीडियो का ऑप्शन होगा, उस पर जैसे क्लिक करेंगे ऑफ हो जाएगा वो, या फिर एक बार मीटिंग को लेफ्ट करके फिर से आ जाइए, अपने आप ही ऑफ रहेगा वो। ठीक है, थैंक यू। अभी उनको थोड़ा सा समझ रहे होंगे कहाँ से है, तो धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है मैनेज कर लेंगे हम लोग। सो ये सॉफ्टवेयर जो है ये क्या है, ये डिजाइनिंग का बेस बनाता है, ये क्या करता है एग्जैक्टली डिजाइनिंग का बेस बनाता है ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है। और थोड़ा सा ऑटोकैड के बारे में जानते हैं, जैसे मैंने बोलाया कि ये जब इसका फर्स्ट लॉन्चिंग हुआ तो ये कब हुआ, 1982 में, कब हुआ ये 1982 में। और इंडिया में कब आया ये, इंडिया में ये आया 1988 में। इंडिया में कब आया, 1988, लोगों को ये पता रहता है कि कब आया, बट इंडिया में कब आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आया 1988 में, इंडिया में आया।
उसके बाद बहुत से एडिटिंग्स हुए, हर साल में 3 बार 4 बार अपडेट होता रहता था सॉफ्टवेयर स्टार्टिंग में। अभी इनका रूल बदल गया है, अभी साल में केवल एक बार ये लोग, ये देखिए यहाँ पे लिखा है दिस टाइम वी हैव लेटेस्ट ऑटोकैड इज 2018, जब ये पीपीटी बनी थी तब 18 था, विच लॉन्च 18 फर्स्ट मार्च एंड 2017। हमेशा मार्च के महीने में ये लोग अपना न्यू सॉफ्टवेयर लॉन्च कर देते हैं। अभी ये लोग साल में केवल एक बार अपडेट करते हैं, पहले ये साल में 3 बार अपडेट करते थे क्योंकि बहुत से बग्स निकलते थे, एरर्स बहुत से आ जाते थे सॉफ्टवेयर में। स्टार्टिंग में सबके साथ गलतियां होती, इनके साथ भी होती थी, उसकी वजह से एरर्स आते थे। तो ये सॉफ्टवेयर अभी फाइनल हर मार्च में एक साल आगे का आ जाता है, जैसे अभी 2021 आ गया है। बट हमेशा लोअर वर्जन यूज करोगे तो आप यूजफुल, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों? लोअर वर्जन के अंदर सारे एरर्स वगैरह वो लोग सॉल्व करके रख देते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो फ्रेश रहता है एक तरीके से, तो ये अच्छा होता है। अब ऑटोकैड इज द प्रेजेंट सिनेरियो, जो अभी का जो सिनेरियो ऑटोकैड का, ऑटोकैड इज वन ऑफ द लीडिंग एंड बेस्ट नोन कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ये यूज हो रहा है वर्ल्ड वाइड। इट इज यूज फॉर इन ऑल काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज सेक्टर्स वेयर ड्राफ्टिंग मोल्डिंग एंड डिजाइनिंग आर कोर फंक्शंस। हर एक इंडस्ट्रीज, नॉट ओनली सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मॉडलिंग, एवरी प्लेसेस। प्लीज माइक को बंद कर दीजिए, माइक को बंद कर दो यार प्लीज। हेलो, माइक को बंद कर दो ब्रदर, माइक को बंद कर दो। ओके, ठीक है, विशाद उनको कुछ सेटिंग वगैरह नहीं पता होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, ये वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है हर एक इंडस्ट्रीज, मॉडलिंग, ड्राफ्टिंग, क्राफ्टिंग तक में यूज हो रहा है, हर जगह पे यूज में आ रहा है। ऑटोकैड इज वाइडली रिकमेंडेड सोल्यूशन अवेलेबल टू द ड्राफ्टर एज इट मेक्स ड्रॉइंग एंड ड्राफ्टिंग वेरी इजी एंड हैंडली वर्क्स। इजली आप इसके ऊपर क्या कर पाते हो, काम कर पाते हो इसके ऊपर। आप सबने ऑटोकैड का स्क्रीन्स कुछ लोगों ने देखा होगा थ्रू यूट्यूब, थ्रू एनी अदर प्लेसेस, बट उसमें एग्जैक्टली हर एक पॉइंट को क्या बोलते हैं डेफिनेटली नहीं पता होगा आपको, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है। तो देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार, इसको क्या बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे ड्रॉइंग का नेम होता है, मीन्स आप जिस नेम से सेव करते हो वो नेम रहता है यहाँ पे। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेंटर रहता है, इन द सेंस यहाँ पे आप जब ऑटोडेस्क में अपनी आईडी बनाते हो तो आपके नाम से लॉग इन होता है ये सॉफ्टवेयर। ये इसका जो ए लिखा हुआ है जहां पे सिंबल्स बना हुआ है ऑटोकैड का, ये है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मेनू बार। क्या बोलते हैं इसको? एप्लीकेशन मेनू बार। और ये जिसके अंदर सारा टूल होता है, जिसके अंदर सारा टूल होता है उसको बोलते हैं रिबन पैलेट। क्या बोलते हैं उसको? रिबन पैलेट। रिबन पैलेट के अंदर लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल, ये सारा टूल्स इसी बॉक्स के अंदर रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं ड्रॉइंग वन या फिर ड्रॉइंग टू थ्री ऐसे अभी आगे खुलती जाएगी, उसको बोलते हैं फाइल टैब। फाइल टैब के अंदर सारी फाइलें खुलती हैं। प्लस का आप सिंबल्स देखते होंगे, इस प्लस के सिंबल्स को बोलते हैं क्रॉस हेयर। क्या बोलते हैं? क्रॉस हेयर्स। और ये जो आप देख रहे हैं बीच में जो गोला सा बना हुआ है, इसको बोलते हैं व्यू क्यूब। व्यू क्यूब के अंदर क्या कर सकते हैं? नॉर्थ से देख सकते हैं अपने प्लान को, साउथ से देख सकते हैं, वेस्ट से देख सकते हैं, आगे हम लोग ये सब देखेंगे। और ये होता है हमारा ड्राफ्टिंग एरिया। क्या होता है ये? हमारा ड्राफ्टिंग एरिया। ये होता है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे हम कमांड्स पुट करते हैं। ये होते हैं हमारे यूसीएस आइकन। यूसीएस आइकन से हम सेट करते हैं कि एक्स से हम आगे कितना है, वाई से कितने जब पीछे हैं, ये सब सेट करते हैं। और यहाँ पे होता है लेआउट टैब। लेआउट टैब के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेआउट वन वन के अंदर क्या करते हैं? मॉडलिंग करते हैं, फिर यहाँ प्रिंटिंग वगैरह के ऑप्शन रहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। स्टेटस बार में हम लोग देखते रहते हैं कौन सी कमांड कैसे यूज करनी है, उसका मेथड क्या एग्जैक्टली यूज करने का। तो ये स्क्रीन मैं आपको दे दूंगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कौन से बॉक्स को क्या बोलते हैं। अब कोई भी बॉक्स ऐसा नहीं होगा जिसका नाम आपको नहीं पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक बार फिर से देख लीजिए थोड़ा और डीप में जाके। ये आपका होम का टैब होता है, होम पैनल। ये जो रहता है ये आपका रहता है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ये होता है हमारा मॉडिफाई। देखो कितना डीप में हम जाके समझ रहे हैं इस चीज को, समझना, ये आपको इतनी डाटा नहीं मिलेंगे, सो इसको ध्यान से देखना। क्या देखना है? मॉडिफाई टैब ये होता है जिसको हम लोग चेंजिंग ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग सब कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एनोटेशन होता है, इसका मतलब होता है टेक्स्ट एंड डायमेंशंस। क्या होता है ये? टेक्स्ट एंड डायमेंशंस होते हैं इसके अंदर। और ये जो होता है इसमें होता है लेयर्स। लेयर्स के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पुटिंग ऑब्जेक्ट ऑन द लेयर्स, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट को एक डिफरेंट लेयर पर डाल दो। जैसे कि आप लोग जब खाना खाते हो तो कैसे खाते हो? दाल को अलग कटोरी में रखते हो, चावल को अलग कटोरी में रखते हो, रोटी को अलग कटोरी में रखते हो, तो इसी तरीके से लेयर्स होता है। देखेंगे आगे हम लोग।
दिस इज योर ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर कंबाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ढेर सारे टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको यूज कर लो, आपका टाइम बचेगा और उससे आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे अच्छा कौन सी चीज की जरूरत है। ये आपका प्रॉपर्टी बॉक्स होता है। प्रॉपर्टी बॉक्स के अंदर मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ तो थोड़ा कैच करने की कोशिश करना, आप में से कई लोग मेरे को पहली बार सुन रहे होंगे क्लास में, मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ बट मैं रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। प्रॉपर्टी बॉक्स होता है, प्रॉपर्टी बॉक्स के अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग चेंज करेंगे लाइन का टाइप वगैरह वगैरह। ये हमारा क्रॉस हेयर्स होते हैं, क्रॉस हेयर्स में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास सिंबल्स होता है, इसके थ्रू ड्राफ्टिंग करते हैं। ये कर्सर होता है एक तरीके से, और ये हमारा व्यू टैब जहां से हमको जो देखना है वो देखते हैं, और ये होता है हमारा कमांड लाइन जहां से हम लोग कमांड को पुट करते हैं, और ये होती हमारी टॉगल बटन्स। क्या होती हमारी टॉगल बटन, अब समझ रहे हो कितना डीप में हम जा रहे हैं। ये है टॉगल बटन्स, ये हमारा क्या व्यू टैब्स, ये क्या है कमांड लाइंस, ये क्या है हमारा एप्लीकेशन आइकन्स जिसके अंदर फाइल न्यू प्रिंटिंग एवरीथिंग यहाँ पे है, ये क्या है हमारा होम पैनल्स, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, चेंजिंग ऑब्जेक्ट्स, चेंज टेक्स्ट एंड डाइमेंशंस, पुटिंग द लेयर्स, कंबाइनिंग ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी द बॉक्स, ये सब कुछ। और ऊपर वाले में तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसमें ये ऑटोकैड स्क्रीन जो दिखता है, इन्फॉर्मेशन सेंटर है, ये क्या है ड्राइंग, ये पूछते हैं इंटरव्यूज में, ऐसे बना देंगे, बोलेंगे इस पैनल का नाम क्या है, तो इस पैनल का नाम है रेवन पैलेट, ये क्या है ये एप्लीकेशन मेनूबार, ये क्या है क्रॉस हेयर्स, इसको बढ़ा सकते हैं, हाँ हाँ जी बढ़ा सकते हैं, आगे बताऊंगा कैसे, ये क्या है व्यू क्यूब है, ये क्या है ड्रॉइंग एरिया, कमांड प्रॉम्प्ट, यूसीएस आइकन, लेआउट टैब्स, स्टेटस बार्स, तो रट जाना आज इसको, बैठ के एक बार रिवीजन करना। आगे चलते हैं हम लोग, आगे यहाँ पे जो भी चीजें होती है ना उनको कमांड्स के नाम से जानते हैं, उनको क्या जानते हैं कमांड, जैसे आपका नाम कुछ होगा एक्स वाई जेड, हमारा नाम कुछ है, तो इसी तरीके से यहाँ पे जिसका भी जो नेम होता है उसको बोलते हैं कमांड, मतलब ऑर्डर देना, एक कमांड का मतलब होता है ऑर्डर देना, बट यहाँ पर हर एक टूल खुद को ऑर्डर देती है, तो जैसे आप लोग लाइन कमांड, इस तरीके से हर चीज को कमांड्स बोलते हैं यहाँ पे। आगे हम लोग देखेंगे ये कमांड्स कैसे कैसे होते हैं, ऑटोकैड मेनूज के कैसे, टूल बार्स के कैसे, शॉर्टकट मेनूज, कमांड लाइन कैसे होते हैं, एस्केलेटर कीज कैसे होती है, ये सब कुछ। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं, मतलब इनको हम लोग छोटे छोटे लाइक शॉर्टकट कीज यूज करके अपने ऑटोकैड को चला सकते हैं विदाउट कमांड लिए, कमांड नहीं लेना पड़ेगा, जिससे शॉर्टकट कीज यूज करके हमको अपना जो भी शॉर्टकट ऑप्शन करते हैं वो। हेलो सर जी, कुछ पूछ सकते हैं क्या? मैंने बताया आप शायद लेट आए हैं, पूछने के लिए मैं अभी टाइम दूंगा अमन, तो उस टाइम पे आपको पूछना है, पहले एक बार हम कंप्लीट पढ़ लेते हैं उसके बाद हम क्वेश्चंस पूछ लेंगे, ठीक है? तो अभी आप यहाँ पे चैट बॉक्स है उसमें क्वेश्चन डाल दो मुझे। हाँ ओके, जैसे अभी चैट बॉक्स में दो क्वेश्चन आए हुए हैं, होम स्क्रीन बड़ा कर दीजिए सर। ओके सर, डिफरेंस बिटवीन स्टेटस बार एंड टॉगल बार्स, ठीक है बताता हूँ अभी। तो ये होम स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो इजी हो जाएगा, कई लोगों को और अच्छे समझ आने लग गया। एक्चुअली इसके अंदर बहुत ज्यादा एनिमेशन था तो इसलिए हमने ज्यादा नहीं किया, एक बार मैं फिर से थोड़े से समझा देता हूँ, अभी कई लोग लेट आए हैं। तो देखो इसमें हम लोग एग्जैक्टली क्या देखने वाले हैं, इसमें हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, ऑटोकैड प्रेजेंट क्या है एक्चुअली आज के डेट में क्या है, ऑटोकैड स्क्रीन के बारे में देखेंगे, कमांड्स अभी नहीं देखेंगे, कमांड्स थोड़ा आगे जाएंगे तब देखेंगे, तब समझ में आएगा। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका, कोई भी आपसे पूछता है तो आप उसको इंट्रोड्यूस करिए अबाउट ऑटोकैड। व्हाट द वर्ड ऑटोकैड इज द मेड बाय टू वर्ड्स, वन इज ऑटो दैट इज द कंपनी लोगो एंड दिस इज द कैड, कैड मींस कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड ऑटोकैड इज अ 2D एंड 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर और दिस इज डेवलप्ड बाय जॉन वॉल्कर, हु इज द क्रिएटर ऑफ द सॉफ्टवेयर जॉन वॉल्कर एंड ऑल्सो ही इज द फाउंडर ऑफ दैट ऑटोडेस्क कंपनी, ये ऑटोडेस्क कंपनी के फाउंडर भी हैं। ऑटोडेस्क इज इन यूएसए बेस्ड कंपनी, यूएसए में एग्जैक्ट कैलिफोर्निया में ये कंपनी है, इट इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर 2D ड्राइंग एंड 3D मॉडलिंग, 2D ड्राइंग के लिए यूज किया जाता है और 3D मॉडलिंग के लिए भी अभी यूज होने लगा है मार्केट में काफी हद तक। इन अनदर वेज वी कैन से दैट ऑटोकैड इज द डिजाइनिंग कोर्स एंड लाइक इसमें पूरा का पूरा हम लोग डिजाइनिंग का बेस है एक्चुअली, क्योंकि यहीं से सारी डिजाइनिंग से स्टार्ट होती है। और यहाँ पे ऑटोकैड इज द सॉफ्टवेयर फर्स्ट लॉन्च बाय दिस कंपनी 1982, उसकी हिस्ट्री है थोड़े से आप पढ़ेंगे, इंडिया में 1988 में आया एंड प्रेजेंट डेज में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है ये सॉफ्टवेयर, आपको मैंने बता दिया।
इसके बाद ये इसके कुछ टूल्स हैं जिनको आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि कहाँ पे क्या क्या है और क्या क्या हम लोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक क्या बोलते हैं टॉगल बार, या कोई क्वेश्चन आया था यहाँ पे स्टेटस बार में, तो क्वेश्चन बता देते हैं। सर डिफरेंस बिटवीन स्टेटस बार एंड टॉगल बटन्स। देखो स्टेटस बार का मतलब होता है, स्टेटस बार एग्जैक्टली यहाँ होता है। स्टेटस बार इन द सेंस कि सॉफ्टवेयर हमको बताता रहता है कि एग्जैक्टली आगे क्या करना है। हमने लाइन लिया, पुट द वैल्यूज, और उसके आगे हमको बताता रहता है कि हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये बार्स हमको बताता रहता है कि एग्जैक्टली हम लोग कौन कौन सी कमांड डाली है और कमांड्स का हमें रिजल्ट क्या क्या मिल रहे हैं। सर ये जो क्लास हम बाद में भी देख सकते हैं, हाँ जी बाद में, आप लोग लेट बताया करो प्लीज, तो बाद में हम लोग अभी आधे घंटे बाद आपको यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, ये ग्रुप में आपको शेयर हो जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, आप बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर और देखते हैं कि सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हैं। ये मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज एग्जैक्टली ऑटोकैड। अब हम लोग चलेंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर। सॉफ्टवेयर को मैंने पहले से ओपन करके रखा है क्योंकि आप सबको पता है ऑटोकैड जब खुलता है तो टाइम लगता है, तो मैंने टाइम सेव करने के लिए ये ऑटोकैड का आइकन है जिसमें हम लोग 2016 यूज कर रहे हैं, और 15 और 16 ये दोनों सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही फास्ट चलते हैं, तो फास्ट चलने वाले सॉफ्टवेयर को हम लोग ज्यादा यूज प्रीफर करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं, एक क्वेश्चन और आया हुआ है सो ले लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा है सर, आप जो स्लाइड दिखा रहे हैं वो किस वर्जन का है? किस वर्जन का मतलब वही ऑटो अपना वही 2013 वर्जन का है। स्लाइड मैं भेज दूंगा आपको, पीडीएफ फॉर्म में जाएगा, डोंट वरी, सब ओपन कर सकते हो। चलिए अब जैसे ही ऑटोकैड आपका ओपन होता है, इस ऑटोकैड के ओपन होने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले हर एक टूल को हम क्या बोलने वाले हैं, कमांड। तो कोई भी टूल लेने से पहले क्या करना है आपको, दिस इज योर लाइन, ये क्या है आपका लाइन कमांड है, इसको बोलेंगे लाइन कमांड। कैसे करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करके जस्ट अपने स्क्रॉल यहाँ पे आइकन पे आना है और यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, ओके। व्हेन यू क्लिक हियर, आप जैसे क्लिक करोगे तुरंत आपको डालना है अपना डायमेंशन कि हमको एग्जैक्टली कितना चाहिए, कोई भी डायमेंशन चाहे एमएम हो चाहे सेंटीमीटर में हो, तो कितना चाहिए। हमने कहा सपोज आई वॉन्ट 30, सो यू कैन जस्ट पुट हियर 30, पुट कर दिया आपने 30, अच्छी बात है। अब हमने कहा कि हमको ऊपर भी जाना है, चलो जी चले गए, और हमने कहा हमें जाना है क्या 20, चले गए। फिर हमको इधर भी जाना है, कितना 20, और फिर हमने कहा इसको क्लोज करना है, कर दिया क्लोज। बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो लाइन है ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, क्या है ये लाइन स्ट्रेट नहीं है। मुझे कैसे पता चला, थोड़ा यहाँ पे देखना बॉक्स और यहाँ पे ग्रिड देखना, ग्रिड में डिफरेंस है। दूसरा पता करने का तरीका ये है कि हम इसको सेलेक्ट करके इसका एंगल चेक कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा ये एग्जैक्टली एंगल पे है कि नहीं। तो अभी हमने इसका यहाँ पे देखो एंगल, यहाँ दिख रहा है आपको जहाँ पे रेड पॉइंट है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 1 डिग्री, क्या है ये 1 डिग्री पे आपका ये रोटेट है लाइन, मतलब स्ट्रेट नहीं है। और आपको भी पता है कि अगर आप अपने हाथ से कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, कोई भी लाइन ड्रॉ करो, लाइन टेढ़ी हो जाती है, करेक्ट। क्यों टेढ़ी हो जाती है भाई, स्केल की जरूरत पड़ती है सबको, तो वही स्केल यहाँ पर भी है, बस उसका नाम चेंज है। क्या नाम है उस स्केल का, उस स्केल का नाम है यहाँ पे ऑर्थो, क्या ऑर्थो। और ये बड़ा समझदार है, ये कहता है कि केवल F8 क्लिक कर दो, कीबोर्ड में आपके सबके लैपटॉप में कीबोर्ड में F8 होगा, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा ऑर्थो ऑन हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से है कि अब स्केल आपने लगा दिया है, जो भी आप करोगे स्ट्रेट जाने वाला, इधर उधर जाने का नाम ही नहीं लेगा। ये आपने बॉडीगार्ड मूवी देखी थी सलमान खान की, उसमें करीना जो बोलती थी सेम वही करता था ना वो सलमान खान, सेम वही चीज यहाँ पे भी है। तो चलो हमें जैसे मान लो 15 किया, 15 mm और इंटर कर दिया, आप सिर्फ 15 जाएगा ये ऊपर गए। हमने कहा फिर से हमें चाहिए 15, ओके, और फिर से हम लोग इधर की ओर गए, कितना हमने कहा आई वॉन्ट अगेन 15, ओके, और फिर हमने इसको क्लोज कर दिया, या तो आप ऐसे क्लोज कर दो खुद ही वो डिग्री वगैरह दिखाता रहेगा, या फिर आप वैल्यू डाल सकते हो कि सर एग्जैक्टली हमें यही चाहिए, ओके। अब मुझे कमांड को कैंसिल करना है, कमांड को कैंसिल करना है, बिगनर्स सब ध्यान से देखेंगे, कमांड को कैंसिल करने का तरीका क्या है, आपके कीबोर्ड में एस्केप बटन होती है या फिर राइट क्लिक करके इंटर कर देना है। राइट क्लिक करके जैसे ही इंटर करेंगे आपको तुरंत ये कंप्लीट मिल जाएगा आपको रेक्टेंगल, ओके। अब नेक्स्ट कमांड है, ये तो हो गया क्या लाइन कमांड, जिसके थ्रू हमने एक बॉक्स बनाया जिसको हम एक स्क्वायर बोल सकते हैं, ओके। इसी के जस्ट पड़ोस में पॉली लाइन लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग
पॉली लाइन लेते हैं और पॉली लाइन की जो शॉर्टकट की होती है पी एल। तो अगर आप थोड़े आलसी हैं, आप कीबोर्ड माउस को वहां तक नहीं ले जाना चाहते हैं, तो सिर्फ कीबोर्ड पे पी एल लिख दीजिए, आपका एक कमांड स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सपोज आप हमने अगेन आई जस्ट क्लिक हियर, मैं यहाँ पे क्लिक किया और मैंने डायमेंशन डाला कितना 15, ओके। फिर हम गए इस डायरेक्शन में कितना 15, ओके। फिर इस डायरेक्शन में गए कितना 15, एंटर। और फिर यहाँ पे जाके हमने इसको कर दिया क्लोज। आप में से कई लोग कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे कि सर वही चीज आपने लाइन से बनाई, वही चीज पॉलीलाइन से, डिफरेंस क्या है? हमको तो डिफरेंस को समझ में नहीं आया सर। तो यहाँ पे समझना चाहिए कि हमें लाइन कहाँ पे यूज करना है और पॉलीलाइन कहाँ पे यूज करना है। तो आज आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए लाइन में क्या होता है कि हर एक लाइन सेपरेट होती है, दिस इज सेपरेट, दिस इज सेपरेट, दिस इज सेपरेट एंड दिस इज ऑल्सो सेपरेट। सारी लाइनें सेपरेट हैं। इसे फायदा क्या होता है, इन केस हमको इसको डिलीट करना है, डिलीट कर दिया, कौन रोकने वाला है? क्यों? क्योंकि अकेले है ना, ये सिंगल है ये, और यहाँ पे सब कपल में है। कैसे? यहाँ पे कहीं भी क्लिक करोगे आप, सब के सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, ओके। यहाँ पे डिफिनीशन बनती है, क्या बनती है डिफिनीशन? अगर कोई पूछता है आपसे व्हाट इज लाइन, क्या पूछता है आपसे व्हाट इज लाइन, ठीक है, बिबलेस का एक छोटा सा क्वेश्चन है तो मैं अभी थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा, वो छोटी सी प्रॉब्लम है। तो अभी हमको डिफिनीशन समझना पड़ेगा, व्हाट इज लाइन। तो लाइन को डिफिनीशन आपको देना है तो आप बताइए, सिंगल सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन, व्हाट? सिंगल सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन। और पॉलीलाइन को क्या डिफिनीशन दोगे? पॉलीलाइन का डिफिनीशन है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द लाइंस, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द लाइन इज कॉल्ड पॉलीलाइन। सिर्फ एक वर्ड में आप डिफाइन कर दोगे, अगर सामने वाला सुनेगा तो इम्प्रेस हो जाएगा कि आपको डिफिनेशन भी आती है। तो जहां पे बार बार डिलीट करने का काम है वहां पे हम लोग लाइन यूज करते हैं, सेपरेट, मैक्सिमम टाइम पे आपको लाइन यूज करना है। और पॉलीलाइन में क्या प्रॉब्लम है, कहीं भी सेलेक्ट करोगे सब आ जाएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द लाइंस, इसको बोलेंगे सिंगल सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन, सिंगल सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट का हम लोग करेंगे, गलती से भी प्लीज माइक मत ऑन किया करो, थोड़ा दूसरे लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, हमें तो आदत है दिन भर की। तो ये दोनों फायदे थे, बट लाइन का फायदा तो आपको समझ में आ गया होगा कि चलो यार इसको सेलेक्ट किया हम डिलीट कर सकते हैं इन फ्यूचर, अभी हमारा इधर की तरफ एक कमरा और बनाना है बना लेंगे। तो पॉलीलाइन के क्या फायदे हैं, पॉलीलाइन के क्या फायदे हैं? ये कोई फायदा थोड़ी है कि एक बार सेलेक्ट किया सब सेलेक्ट हो गए, नहीं 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 रुको, फायदे हैं। क्या फायदा है, पॉलीलाइन इतना सीधा है कि इसके तीन भाई है, क्या है, भाई नहीं बोलते बेटे बोलते हैं, इसके तीन बेटे हैं। जैसे आप इसके मिडिल कर्सर पे माउस को रखोगे यहाँ पे इसके तीनों बेटे सामने आएंगे। पहला कौन है, स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, ओके, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, सपोज आई जस्ट वॉन्ट लाइक दिस। तो पहला बेटा बड़े काम का है इसका, करेक्ट। चलो मैंने दूसरे क्लिक कर दिया, इसका दूसरा बेटा भी बड़े काम का, क्या है, एड वर्टेक्स, क्या कर रहा है ये, आप और पॉइंट सेट करना चाहते हो क्या? मैंने बोला यस। ये देखो अब यहाँ पे भी तीन पॉइंट मिल जाएंगे और यहाँ पे भी तीन पॉइंट, तो फायदा हुआ ना। इसका तीसरा बेटा और काम का है, क्या है उसका काम, यहाँ पे जैसे जाओगे लास्ट में बोलता है कन्वर्ट टू आर्क, हमें आर्क में कन्वर्ट करना चाहो तो आपका लोहा बहुत फ्लेक्सीबल इंसान है, वेरी गुड। ये देखो ये कितना फ्लेक्सीबल है, हमने इसको आर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो पॉलीलाइन से हमने क्या किया, एक शेप दे दिया प्रॉपर, स्ट्रेच भी कर दिया, एड वर्टेक्स भी कर दिया और कन्वर्ट टू आर्क भी कर दिया। ये पॉलीलाइन ही केवल कर सकता है, और भी इसको बहुत बड़े फायदे हैं पॉलीलाइन के, वो हम आगे देखेंगे, अभी देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि व्हाट इज द यूज ऑफ लाइन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ पॉलीलाइन। फिर से देखिए, इसको मैंने डिलीट किया, सब कुछ डिलीट कर दिया, राइट क्लिक करके इरेज कर सकते हैं या फिर यहाँ पर इरेज का ऑप्शन होता है या फिर सेलेक्ट करके कीबोर्ड में डिलीट बटन से आप डिलीट कर सकते हैं, ओके। अब मुझे लाइन कमांड चलाना है बट मैं यहाँ से लाइन कमांड नहीं चलाना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे आप एल, जैसे एल लिखेंगे और इंटर करेंगे, उसके इतिहास में सब कुछ लिखा हुआ है, वो खुद से ही लाइन कमांड ले लिया। देखो हमने कुछ नहीं किया, केवल कीबोर्ड पे लिखा एल, इंटर, लाइन कमांड चालू, और व्हाट एवर यू वॉन्ट टू ड्रॉ यू कैन ड्रॉ। सपोज राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट 20, आई जस्ट वॉन्ट 10 एंड अगेन 20, इसलिए यू कैन डू बाय दिस।
कितना इजी है, ध्यान दो जब आप डायरेक्शन में माउस को घुमा दो, उसी डायरेक्शन में घुमाने के बाद ही आपको डायमेंशन डालना है। अब देखो डायमेंशन डालोगे बन जाएगा। अभी आप में से कई बिजनेस ऐसे करेंगे तो लोग लाइन कमांड लेते होंगे ऐसे, और ऐसे जाके फिर वैल्यू डालेंगे 10 एंटर, फिर सोचेंगे ऐसे माउस को ऐसे ऊपर कर देंगे, उनको लगेगा अब ऊपर जाएगी लाइन, 20 फिर पुट करेंगे आगे चला जाता है। रीजन क्या है, जब उन्होंने ऊपर किया था माउस तो माउस केवल इतना ऊपर किया, एंगल आप देख रहे हो कितने का एंगल बना हुआ है, जीरो एंगल, मतलब ऊपर तो गया ही नहीं हो। तो ऊपर जाने के लिए क्या करना है आपको, ऐसे करना है। देखो एंगल बन गया कितने का, 90 का, तो जब 90 का एंगल बन गया मतलब ऊपर तो जाना ही जाना, उसकी मजबूरी है, 20 इंटर, और फिर इधर जाएंगे 20 इंटर। ओके चलो इतना काम समझ आ गया होगा आपको कि लाइन अप वाली लाइन तो हम सब ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन आप में से कई लोग अभी जब पहली बार ऑटोकैड को आप चलाने जाओगे तो आपको, अभी देखो अगर मैं लाइन चलाऊं यहाँ पे लाइन कमांड लू तो यहाँ जाऊंगा मुझे मिड पॉइंट मिल जाएगा, मिल गया क्या मुझे मिड पॉइंट, हाँ जी मिल गया। यहाँ जाऊंगा इन पॉइंट मिल जाएगा, हाँ जी मिल गया क्या, मिल गया। मैं जिधर जाऊंगा उधर का मुझे एंगल डायमेंशन सब कुछ पता चल रहा है कि इसका एंगल क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, राइट। ये सब आपको नहीं मिलने वाला है अगर आप पहली बार इंस्टॉल करेंगे ऑटोकैड, तो आपको नहीं मिलने वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपने पहली बार ऑटोकैड इंस्टॉल किया है तो, और उसके लिए आपको यहां पर जाना है, ये देखो 3 points कस्टमाइजेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं कस्टमाइजेशन, इस पे क्लिक करेंगे। जो जिनको लगता है कि यार मुझे ये सब आते हैं वो लोग आज लेफ्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें बिगिनिंग लेवल पे समझाना पड़ेगा सबको, तभी हम काम अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे। तो इस 3 points पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहला होता है कि डायनेमिक इनपुट, इसको आपको ऑन रखना है। फिलहाल हमारा वाला ऑन है, आपका ऐसे रहेगा ऑफ। अब देखो नीचे देखना यहाँ बढ़ेगा, यहीं पर आएगा वो डायनेमिक इनपुट। देखो जैसे क्लिक करूंगा देखो क्या होगा, आ गया, हाँ जी आ गया ये। दूसरा हो सकता है आपका ऑर्थो ऑन ना हो, तो ऑर्थो कहाँ से करेंगे, ये देखो ऑर्थो मोड है, ऑफ करोगे तो ऑफ हो जाएगा, यहीं पर आएगा, और फिर ऑन करोगे तो ऑन हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन आपके ऑन होने चाहिए, पहला प्रायोरिटी इसका ये है। दूसरा अभी खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे जो एरो देख रहे हो स्नैप नोट बीम के बगल में जो एरो देख रहे हो, इस एरो पे क्लिक करना है, कर दिया। यहाँ पर आएगा जो थर्ड ऑप्शन है, इसका नाम है स्नैप सेटिंग, क्या नाम है स्नैप सेटिंग, यहां पर जाना है आपको। जैसे स्नैप सेटिंग पे जाओगे थोड़ा सा सब्र करना, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्या, ऑब्जेक्ट स्नैप, क्या मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट स्नैप, क्लिक कर दिया। और यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन ऑन करने हैं, मतलब सेलेक्ट ऑल। लेकिन फिर भी ध्यान से देख लेना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि आपका ये वाला ऑप्शन ऑफ रहता है, और जब ये ऑफ रहेगा जब पहली बार आप इंस्टॉल करोगे आपको प्रॉब्लम होगा, ना आपको मिड पॉइंट देखने देगा, ना मिड पॉइंट देखने देगा, आपको बुखार आएगा और आप परेशान रहोगे यार क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है, ये तो लाइन ही नहीं मिल रहा है। तो क्या करना है आपको, यहाँ जाना है स्नैप सेटिंग्स पर जाना है, और ऑब्जेक्ट स्नैप जाके सेलेक्ट ऑल, फिर इसको भी क्लिक कर देना है और इसको भी क्लिक करके ओके कर देना, बस इजी फंडा। यहीं पर एक क्वेश्चन आया हुआ है कमेंट बॉक्स में, चेंज बता देता हूं आप लोग को भी काम आएगा। उनका स्क्रीन का कलर जो है वो व्हाइट हो गया है, क्या हो गया है स्क्रीन का जो कलर है वो क्या हो गया, व्हाइट हो गया है। सर वो टॉप में लेफ्ट में टॉप में अच्छा लेफ्ट में जो फ्रेम है वो विजिबल नहीं हो रहा है। नहीं विजिबल होगा टॉप में जो लेफ्ट में है, एक्चुअली वहां पे अभी आपका ना गो टू मीटिंग का रहेगा, गो टू मीटिंग ऑन है वहां पे ब्रदर, तो उसके नीचे है वो गो टू मीटिंग के नीचे। ओके ठीक है, स्वामी का क्वेश्चन है कि स्नैप सेटिंग का क्या फायदा है, ठीक है बताता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। इनका स्क्रीन जो है वो व्हाइट हो गया है, तो व्हाइट स्क्रीन के लिए क्या करना है, व्हाइट स्क्रीन के लिए आपको सिर्फ अगर चेंज करना है ब्लैक लेके आना है, लिखिए ओपी, क्या लिखिए ओपी ऑप्शन एंटर। जैसे ओपी लिखेंगे ये थोड़ी हैवी कमांड है, 1-2 सेकंड वेट कर लीजिएगा, ये खुल के आ जाएगा आपके सामने। और इसी कमांड के अंदर सारा कंट्रोल होता है, पूरा ऑटोकैड का जितना कमांड होता है सब इसी के अंदर स्टोर होता है, ऑप्शन के अंदर, ओपी मतलब ऑप्शन। अब इनका ऑप्शन में हुआ क्या है, इनके डिस्प्ले पे जाइए, आपको भी आगे जरूरत पड़ सकती है। इनके डिस्प्ले पे जो इनका कलर है, इनके डिस्प्ले पे जो इनका कलर है वो व्हाइट हो चुका है, हमारा तो देखो कैसा है ब्लैक है। अब इनको क्या करना है, इनका जो यहाँ पे व्हाइट हो गया है ऐसे करके,
इनका ऐसे अप्लाई करके ओके हो गया, हो सकता है इनके दोस्त ने, इनके घर वालों ने, किसी ने कर दिया होगा ऐसा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाइट में थोड़ी आंख जलती है, तो दूसरा है लाइन विजिबल नहीं रहती है, तो इसलिए आप ओपी फिर से क्लिक कर देना और एंटर कर देना और फिर से जाके डिस्प्ले पे, मुझे पसंद नहीं व्हाइट पर्सनली, तो कलर्स पे जाना और यहाँ पे आप अपना ब्लैक कलर, ब्लैक कलर आराम रहता है इसमें, फिर आप कोई भी कलर ले सकते हो, आपकी पहचान है। आपको अगर बेबी पिंक पसंद है तो हम मना थोड़ी करेंगे। ओके देखिए ब्लैक हो गया। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया हुआ है कि स्नैप सेटिंग का फायदा क्या है, तो यह स्नैप सेटिंग का फायदा ये है कि अगर हमको पता चल गया कि आगे बॉर्डर है तो क्रॉस करने से पहले हम पासपोर्ट चेक कर लेंगे ना जेब में, एयरपोर्ट जा रहे हैं और हमारे पास आईडी ही नहीं है, मान लो ये एयरपोर्ट है तो आईडी ही नहीं है, तो हमको ये बता देता है ना कि ये देखो ये मिड पॉइंट है, यहाँ बच कर आना, या फिर हमको मान लो यहाँ से कनेक्शन देना है, अब कनेक्शन मुझे देना है इसके मिड पॉइंट पे, तो ये बताएगा तभी तो हमको पता चलेगा ना मिड पॉइंट कहाँ, देखो ये इंड पॉइंट है, मैंने यहाँ जोड़ दिया, तो हमें बताता रहता है वो, एक तरीके से सैटेलाइट है आपके मोबाइल में, जैसे गूगल मैप होता है वैसा ही। ओके सेक, जो अपियर नहीं हो रहा आपके उस पीसी में, मुझे फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा देख के, कुछ अगर बंद रहेगा तो। क्या सारे स्नैप को रखना जरूरी है? नहीं, सारे को स्नैप को रखना जरूरी नहीं है, आगे हम बताएंगे कौन कौन से जरूरी है, अभी सिर्फ आपको लाइन, पॉली लाइन और जितनी स्नैप सेटिंग्स बताई इस पे फोकस करो, जिससे इतने कॉन्सेप्ट आपके न रह जाए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज योर सर्किल। बहुत इजी है सर्किल, मींस सिर्फ जाना है और इसके अंदर सिक्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स रहते हैं। देखो ये 3A है और 3A है, कई बार इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, लिस्ट द नेम ऑफ द टाइप्स ऑफ सर्किल्स इन ऑटोकैड, तो आपको बताना है सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10-10 रेडियस और 10-10-10। अच्छा जी चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटर रेडियस से। जस्ट क्लिक हियर फर्स्ट पॉइंट और उसके बाद दूसरा पॉइंट दे दो। दूसरा पॉइंट क्या देना है? रेडियस देना है, तो रेडियस मान लो हमने दे दिया 20, एंटर। कितना अच्छा है ना, मजा तब आता है जब हमने 20 का कुछ बनाया। मान लो अभी हम लोग एक बीच में, हम लोग का एक सीवर लाइन का प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें मेन होल था, मेन होल पता ही होगा आपको जिसके अंदर से इंसान घुसता है सफाई फाई करने के लिए। अब मेन होल में मान लो हमने कुछ साइज दे दिया उसका, फिर एलएनटी ने हमको ड्राइंग मान लो हमारा बोला रिवाइज करो, इतना साइज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए 18.5, तो इसी पर बीच में ब्लू पॉइंट पे क्लिक कर दो, ये बोल यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो 18.5। सोचो अगर ये हाथ से बनाए होते तो कितना टाइम लगता, यहाँ पे माउस को रख दोगे बता देगा साइज क्या है इसका, यही नहीं आप इस कॉर्नर पे भी रख दोगे आपको बता देगा इसका साइज क्या है, इस कॉर्नर पे रख दोगे आपको बता देगा इसका साइज क्या है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट डायमीटर दे देता है, जैसे बोल्ट वगैरह के केस में ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट डायमीटर दे दिया, तो यहाँ पे है सेंटर डायमीटर, क्या है सेंटर डायमीटर, तो आप बोलोगे सर सेंटर रेडियस से तो काम हो जाएगा, हाँ जी काम तो हो जाएगा सेंटर रेडियस से, बट मान लो दे दिया आपको वैल्यू दे दिया 11.89 डायमीटर, 11.89 डायमीटर, अब इसको रेडियस में कन्वर्ट करो, दिमाग की दही हुई ना, 89 को कौन हाफ करेगा पॉइंट में, बेटर हम सीधे अगर हमको डाय ही डाल दें 11.89 तो आंख बंद करके कोई दिक्कत ही नहीं है, अपना काम हो जाएगा, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है टाइम को बचाने का। सॉफ्टवेयर क्या है? कैलकुलेटर है जो टाइम को बचाता है। नेक्स्ट है टू पॉइंट, इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, इसको मान लो मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पे आए और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ किया हमने, यहाँ से यहाँ तक हमने कहा इसके बीच में हमें चाहिए एक सर्किल, क्या चाहिए इसके बीच में हमें चाहिए एक सर्किल, हालत खराब हो जाएगी लोगों की सर्किल ड्रॉ करने इसके बीच में, कैसे करके दिखाओ, ये देखो सेंटर रेडियस लिया, मान लो मैंने रेडियस सेंटर मान लिया यहाँ पे, मान लो मैंने इसको मिलाया यहाँ पे, क्या पंगा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया ना ये भाई साहब, और जब एक्स्ट्रा हो गया तो प्रॉब्लम हो गया, हाँ जी, तो फिर इसको डिलीट कर दो। ओके इसके जगह पे टू पॉइंट को यूज करो, यहाँ देखो ये टू पॉइंट दिख रहा है आपको, हाँ जी टू पॉइंट दिख रहा है हमको, इस टू पॉइंट पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद इसको बताओ फर्स्ट पॉइंट, मैंने कहा ये है, बताओ सेकंड पॉइंट, हमने कहा ये है, आंख बंद करके 2 मिनट के अंदर प्रॉपर सर्किल तैयार हो गया इसके थ्रू। इसको आप 2P भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे 2P, मतलब टू पॉइंट, उससे भी ऑन हो जाता है, ये शॉर्टकट किया इसका, और सर्किल के शॉर्टकट किया है सी इंटर।
नेक्स्ट है थ्री पॉइंट सिचुएशन बना लो. तो सिचुएशन में हमने ले लिया एक थ्री पॉइंट, मान लो एक पॉइंट ऐसे ले लिया, दो पॉइंट ऑलरेडी बैठे थे चौराहे पे. तो फिर क्या किया हमने, यहाँ पर गए और यहाँ से हमने थ्री पॉइंट उठाया. इसमें से फर्स्ट पॉइंट ये, सेकेंड हमने इसको घेरा और थर्ड हमने इसको घेरा. हाँ जी, ये देखो कंप्लीट आपके पास प्रॉपर आ गए अच्छे तरीके से. हाँ जी, प्रॉपर आ गया सही तरीके से आपको सर्किल. तो अब ये थ्री पॉइंट से ही पॉसिबल था. अगर आप इसको सेंटर रेडियस से करते तो आपका यहाँ पे बहुत टाइम जाता और परफेक्ट कभी नहीं बनता. ये देखो एक्स्ट्रा ये कम पड़ गया. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थ्री पॉइंट या थ्री पी. चलिए बहुत अच्छी बात है. एक और है यहाँ पे, इसका नाम है टेन टेन रेडियस. नाम से ही पता चल रहा है टेन मतलब क्या होता है, टेंजेंट. टेंजेंट मतलब क्या होता है, सबको पता होगा टेंजेंट क्या होता है. इसको हिंदी में बताओ क्या होता है. हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा. क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा. टेंजेंट मतलब होता है कोई एक लाइन को कोई टच करके जाए, सॉरी कोई एक सर्किल को कोई एक लाइन टच करके जाए, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं टेंजेंट. मतलब मान लो हमने यहाँ पे एक सर्किल बनाया, एक सर्किल हमने यहाँ पे बना लिया. मान लो हम चाहते हैं इसको टच करता हुआ, इसको टच करता हुआ कुछ बन जाए. इसको जो टच करेगा उसको बोलेंगे टेंजेंट लाइन, इसको जो टच करेगा उसको बोलेंगे टेंजेंट लाइन. कहीं से भी, इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर कहीं से भी टच हो जाए सर्किल से कोई भी लाइन, तो उसको बोलते हैं टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा. तो हम लोग अगर यहाँ से लेते हैं टेन टेन रेडियस को, जस्ट ले लीजिए यहाँ से, और लेने के बाद फर्स्ट पॉइंट दीजिए यहाँ पे दे दिया, और फिर दे दीजिए सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दे दिया, फिर बता दीजिए कितने रेडियस की जरूरत है. फिलहाल तो सॉफ्टवेयर बड़ा समझदार है, वो एक रेफरेंस दे देता है कि 12.03 डालो या 12.32 डालो तो प्रॉपर बन जाएगा. बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि उसी की आप माने, आप अपने मन का भी कर सकते हैं, ये दुनिया आपकी है. तो हमने यहाँ पे दे दिया मान लीजिए 14, इंटर. ये क्या, अब देखिए आपके क्या वस्तु हुआ, क्या ये टच करके यहाँ से गया. हाँ जी, ये भी टच करके यहाँ से गया. हाँ जी, तो ये फायदा होता है टच करके इसको यहाँ से पहुंचाने का. अब इसके साथ ही आप अगर हमको यहाँ पर एक और सर्किल देखें, तो ये है लास्ट में टेन टेन टेन. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टेन टेन टेन. इसके क्या फायदे हैं, टेन 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 में समझ रहे हो आप, तीन टेंजेंट बनाओ. अब तीन टेंजेंट बनाना आपके दिमाग में थोड़ा सा दही करेगा, फिलहाल मैं बता देता हूँ कैसे. यहाँ पर मान लीजिए 40 40, इसको मिला दिया इसे, फिर इसको ले जाके हम लोग इसके मिड पॉइंट पर रख दिए, इसको ले जाके इसके मिड पॉइंट पर रख दिए. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अरे हाँ यार, इसको मान लीजिए डिलीट कर दिया हमने, इसको भी मान लीजिए हमने डिलीट कर दिया. अब आपके सामने क्या आ गया, एक टेंजेंट इसका, एक टेंजेंट इसका, और एक टेंजेंट इसका. तीन टेंजेंट हो गए क्या, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. अब देखो कितना अच्छा इसका फायदा होगा आपका. सिर्फ क्या करना, आपको टेन 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 लेना है, कहीं पर भी पूरे लाइन में कहीं पर भी आंख बंद करके क्लिक कर दो, यहाँ पर कहीं पे भी क्लिक कर दो और यहाँ पर क्लिक कर दो. कितना बेस्ट है, दो मिनट के अंदर कंप्लीट सर्किल बना के आपको देके चला गया. तो ये फायदा होता है किसका, टेन 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 का. तो ये आपके तीनों कमांड्स आपको क्लियर हो गए होंगे. राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, याद रखना राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो किसी भी ड्राइंग को, या फिर कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करके भी आप डिलीट कर सकते हो इस चीज को. चलिए अच्छी बात है. अब इन तीन कमांड के थ्रू कौन सी ड्राइंग बना सकते हो, इन तीन कमांड के थ्रू कौन सी ड्राइंग बना सकते हो, तो मैं आपको ड्राइंग फिलहाल भेजूंगा. यहाँ पर आपको एक ड्राइंग मिलेगी, वर्कबुक मिलेगी, एक्चुअली मेरी ही वर्कबुक है. यहाँ पे एक सिविल कैड करके वर्कबुक मिलेगा, एक एम कैड करके मिलेगा. दोनों वर्कबुक आपको बैठ के प्रैक्टिस करना है. और ओके, मैं बता देता हूँ टेन टेन वाले को फिर से. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास वर्कबुक है दोनों, तो हम दोनों वर्कबुक को प्रैक्टिस करेंगे. आज हम पहले वाले वर्कबुक को पहले ओपन करते हैं. इसको जैसे ही ओपन करेंगे, ये देखिए इस तरीके से आएगा ये वर्कबुक. ये पहले मैं एक एडुकेट का फ्रेंचाइजी चलाता था, से 5 साल पहले अपने कॉलेज टाइम पे, तो मेरा वर्कबुक तब का ही बना हुआ है.
तो यहाँ पे जो वर्कबुक है इसमें आप जो ड्राइंग देखेंगे, पहली ड्राइंग को देखिए, ये देखिए, इस ड्राइंग को देखने में के बाद आपको लग रहा होगा ये तो बड़े आसानी से बन जाएगा, 100 फिर ऊपर गए 25, फिर गए इधर 90, फिर 40, फिर इसको मिला दिया। तो ये ड्राइंग आपको बैठ के बनाना है, आज बना के आप चाहे फोटो खींच के आप डाल दीजिए ग्रुप में, आप सबको बनाना है इस ड्राइंग को, भले ही आपको आता है, कुछ लोग सोच रहे हैं सर इसमें क्या है, आप बना के देखो क्या है, फिर भी पता चलेगा आपको। ये ड्राइंग आपको बैठ के बनानी है, बहुत ईजी ड्राइंग है, बट बिगिनिंग लेवल पे हमको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर एक ड्राइंग ये है, आप अच्छा खासा अपने आप को लगा रहे होंगे, बट इस चारों ड्राइंग के ड्राइंग को आप अगर एग्जैक्ट बना लेंगे तो मुझे बताइएगा, कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे इस ड्राइंग में या इस ड्राइंग में, बहुत ईजी है। फिर भी ये आपको पेज नंबर 1 आज पूरी ड्राइंग को कंप्लीट करना है, जिसमें से मैं इसको बना के आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये वाले ड्राइंग को बना देता हूँ। मान लीजिए तो इस ड्राइंग को बनाने के लिए देखो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको करूँ फिर ऐसे इधर लेके जाऊँ, मुझे तो डायमेंशन याद है बट आपको होगी प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम, कैसे एक बार डायमेंशन देखोगे फिर यहाँ पे आके फिर यहाँ बनाओगे, इतना झंझट क्यों पालना। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, क्या है शॉर्टकट तरीका, सर्च बॉक्स आप सबके विंडोज में होगा, हाँ जी है, यहाँ पे डालना SN, जैसे SN डालेंगे आप लोग अपने कीबोर्ड में देख भी सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्निपिंग टूल का, क्या मिल जाएगा स्निपिंग टूल का ऑप्शन, ये बहुत ही काम का है सिविल इंजीनियर के लिए, तो आप चाहे तो राइट क्लिक करके यहाँ पे कर दीजिएगा पिन टू टास्क बार, जैसे पिन टू टास्क बार कर देंगे टास्क बार में आपका आ जाएगा, ये देखिए आ गया है टास्क बार में, हाँ जी आ गया, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। ये आपसे पूछता है कौन सी फोटो लेनी है, मैंने कहा ये फोटो लेनी है, वो गाना है ना खींच मेरी फोटो, तो खींच लेना है इसकी फोटो, यहाँ से हमने खींच लिया इसकी फोटो, यहाँ से लेके यहाँ तक की फोटो खींच लिया। अच्छा जी, फिर फिलहाल तो इसमें कुछ ड्राइंग वगैरह भी कर सकते हो अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग, बट अभी मुझे ड्राइंग नहीं करना, सिर्फ सेव एस पे क्लिक करना, और सेव एस पे क्लिक करने के बाद इसको कहाँ पे सेव करना है, मैंने कहा डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है, तो हमने कुछ इसको लिख दिया DRT लिख दिया और सेव कर दिया। अभी फाइल को यहाँ से बंद कर दो, काम हो गया अपना, बस सेव कर देना है इसका करके। अब यहाँ पर आपको अपना सॉफ्टवेयर ले, सॉरी अपना जो ड्राइंग है वो लेके आना है, तो ड्राइंग लेके आने के लिए देखो ध्यान से देखो क्या करना है आपको, XRE यहाँ पे देखो एक्स रेफरेंस लिखा हुआ है, हाँ जी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जस्ट क्लिक कर देना है एक्स रेफरेंस पे। एक्स रेफरेंस बहुत बड़ी कमांड है, हर एक इंटरव्यू में अगर ये कमांड पूछी नहीं जाए तो बता देना मेरा नाम बदल दूंगा, क्योंकि पक्का पूछेंगे ये कमांड, अगर उनको कमांड का नॉलेज है तो एक्स रेफरेंस कमांड सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है, इसके बिना कोई भी फाइल अटैच ही नहीं कर सकते, और जब अटैच नहीं करोगे तो बनाओगे क्या, तो आपको यहाँ पर फाइल को अटैच करना है। अटैच करने के लिए यहाँ पे जाना अटैच DWG पे, यहाँ पे DWG फाइल भी अटैच कर सकते हो, इमेज भी कर सकते हो, DWF भी कर सकते हो, बाय द वे ऑटोकैड का जो फाइल फॉर्मेट है वो क्या है .DWG पहला वाला। अब हमें क्या करना है, इमेज लेके आना है, तो इमेज के लिए हम लोग इमेज पर क्लिक किए, और इमेज पर क्लिक करने के बाद वेट करेंगे, एक बॉक्स खुल के आएगा, ये पूछेगा कहाँ पे है आपकी ड्राइंग, तो हमने कहा यार डेस्कटॉप पे रखा है, ओके क्या नाम से रखा है, डेस्कटॉप पे रखा हुआ है हमने DRT नेम से, किस नाम से देना है रखा है हमने DRT, ओके, और फिर हमने कर दिया इसको ओपन। जैसे DRT लेके आप ओपन करोगे और फिर ओके करोगे, ये ड्राइंग आ चुकी है, आप यहाँ से इसको देख सकते हो, और इसको मैंने ऐसे रख दिया यहाँ पे, देखो आप कितना मज़ेदार है ना, यहाँ पे आपके पास ड्राइंग आके बगल में, अब देखो पड़ोस में है तो पड़ोसी का फायदा उठा लो आप। अब डायमेंशन देखना आसान हो गया क्या, नहीं तो बार बार ऐसे करते फिर यहाँ आते फिर ऐसे करते फिर ऐसे देखते कितने बार देखते आँख में फालतू में दर्द होता। तो देखो क्या लिखा 120, यहाँ से गए हम लोग स्टार्ट किया हमने गेम, और हमने कहा यार 120 हमको चलना है, 20 चल गए हम गलती से, तो 120 लिख दो यहाँ से, और फिर क्या करना है ऊपर जाना है, कितना देख लो कितना जाना है, वैसे 40 जाना है, फिर 20 अंदर जाना है, फिर 32 ऊपर जाना है,
40, 20, 32, तो चलो चलते पहले 40 ऊपर चले जाओ, फिर इसके बाद 20 अंदर आ जाओ, फिर 32 ऊपर चले जाओ। हाँ ठीक है, यूनिट वगैरह बताएंगे अभी, जस्ट थोड़ा थोड़ा रुके रहो, अभी जस्ट प्रैक्टिस करो एज अ बिगनर्स, तो ज्यादा बेटर रहेगा, सब बताएंगे कि करके, टेंशन नहीं है। अब ये 20 ही होगा, ये 48 होगा, तो 20, 48, 56 कुछ नहीं है, सिर्फ देखो और लिख दो। चलो जी, 20, 48 और फिर 56 हो गया जी। अब चलो एक बार और देख के आते हैं, हाल चाल लेके आते हैं। 48, 36, 32 48, 36, 32 ऐसे ही देखना है। 48, 36, 32 और फिर उसके बाद है 28 और फिर इसको मिला देना है, इसको जस्ट क्लोज कर देना है। ओके, ये देखिए आपके पास 2 मिनट में ड्राइंग तैयार हो गई। कितना इजी है ना ड्राइंग को बनाना, बहुत ही इजी है, कुछ भी ज्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ ड्राइंग को आपको लेके आना है वहां से और वहां से ले आने के बाद यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, अब कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज में है, यूनिट क्या होगी, तरह तरह से, बिल्कुल आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ ड्राइंग को बनानी है। बाय डिफॉल्ट कोई भी यूनिट हो, आंख बंद करके कर लो, आप इंचेस में कर लो, एमएम में कर लो, हम सब एक एक टेक्निकलिटीज के बारे में जानेंगे। पहले जस्ट सीखो कि खाना बनाते कैसे हैं और फिर उसके बाद सीखेंगे खाना अच्छा कैसे बनाते हैं। एक दिन में अगर हम पूरे टेक्निकलिटीज में पढ़ जाएं कि यार गियर कैसे लगाएंगे, फिर क्लच कैसे, अरे पहले गाड़ी स्टार्ट करो फिर देखेंगे, गिरेंगे फिर गिरेंगे फिर गिरेंगे फिर बनेगा। फिर इसका यूनिट अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे जस्ट यू एन लिखना और इंटर कर देना। यहाँ पे आपके पास डेसिमल होता है, यू एन लिख के जैसे करोगे यूनिट बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे डेसिमल है और यहाँ पे इंचेस है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमें जब ड्राइंग बनाएंगे तो हमें मिलेगा कौन सी ड्राइंग कौन सी यूनिट में करना है, यहाँ तो कोई हमें यूनिट लिखा नहीं है, इंचेस है तो करो इंचेस में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमको यहाँ लिख के आएगा 40 फीट तब हम चेंज करेंगे, अभी हम आंख बंद करके सिर्फ ड्राइंग बनाएंगे। तो आपको पहली ड्राइंग, दूसरी ड्राइंग और ये ड्राइंग और ये ड्राइंग, ये चारों ड्राइंग अच्छे से आज बनाना है। बहुत लोगों को आता होगा मुझे पता है, बट आता है तो भी आपको बनाना, नहीं आता तो अच्छी बात है। तो उसके बाद एक और काम करना है आपको, क्या? सिविल वर्कबुक खोलना है। हमेशा जब भी कोई चीज सीखो तो बच्चा बन के सीखो, क्योंकि बच्चा क्या करता है, उसको जल्दी जल्दी सीखने को मिलता है, उसको इंटरेस्ट के साथ सीखता है। अब यहाँ पे जैसे इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे एक ड्राइंग मिलेगी, ये पहली वाली, जिसको आप बहुत आसानी से बना लोगे, कुछ नहीं करना है, 120, 20 इसको कैलकुलेट करके लगा देना है। उसके बाद ये ड्राइंग बनानी है। अब इसमें आपका क्या प्रैक्टिस होगा, इसमें आपको एक सर्किल का टाइप प्रैक्टिस होगा कि सर्किल का टाइप क्या है, और ये सर्किल का टाइप ये है 10, 10 रेडियस, 10, 10 और रेडियस 10, फिर सेम 10, 10 और फिर रेडियस और फिर 10, 10, 10, ये तीनों क्या है, 10, 10, 10, 10, 10, 10 और ये आप बना ही लोगे बीच में। तो ये ड्राइंग भी बनानी है और ये ड्राइंग भी बनानी है आपको। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें बनानी बड़ी इजी तो है, बहुत आपको दिख रही होंगी, यहाँ से कुछ डायमेंशन फिर एंगल फिर डायमेंशन फिर एंगल, तो है तो लाइन ही खींचना, बट कंफ्यूजन होगा कि हम एंगल पे कैसे लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये आपके मन में कंफ्यूजन होगा, तो चलिए उसको भी दूर कर देते हैं। तो आपको पेज नंबर 1 सिविल वर्क बुक, पेज नंबर 1 मैकेनिकल वर्क बुक, दोनों आज ही बनाना है। मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर मैं बता देता हूँ कैसे एंगल में करेंगे। तो देखो यहाँ पे होता है लाइन कमांड, लिया हमने, मान लो हमने यहाँ से क्लिक किया कुछ भी डायमेंशन लाइक 50, अच्छी बात है, एंटर, ऊपर जाना है 50 ही जाना है, बस 65 के एंगल पे जाना है, ऊपर जाना है 50 ही जाना है, बट एंटर मत करना गलती से, क्या करना है, आप सबके कीबोर्ड में टैब बटन होगी, टैब TAB, उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे टैब बटन पे, देखियो एंगल का सिंबल आ गया, हाँ जी कितना एंगल चाहिए, हमने कहा 65, इंटर,
ये देखो 65 पे आ गया आपका एंगल, इसको कैलकुलेट करके आपको 65 पे ले आ दोगे बहुत इजी। मान लो आपके पास एक लाइन है ऐसे ऐसे, ऐसी ही सेम लाइन आपको यहाँ से 50 mm ऊपर चाहिए, ऐसी ही सेम लाइन आपको यहाँ से 50 mm ऊपर चाहिए। तो कैसे सेम लाइन को 50 mm, आप सोच रहे होंगे सर कॉपी करा देंगे, नहीं मुझे मान लो कॉपी नहीं करना है, तो आपको इसको जस्ट सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑफसेट कमांड होता है। क्या होता है ऑफसेट कमांड होता है, ऑफसेट कमांड के बाद जस्ट क्लिक करना है फर्स्ट पॉइंट, फिर किस डायरेक्शन में जाना है, इसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो भी बिगनर है उनको बहुत प्रैक्टिस, ध्यान से देखना कैसे मैं कर रहा हूँ। इधर कीबोर्ड ले जाना, सॉरी कर्सर ले जाना, फिर यहाँ पर लिख देना 30-40 जितना भी लेके जाना है, क्लिक कर देना, एंटर कर देना, और फिर यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे उधर डायमेंशन हो जाएगा। फिर से जाओ, अभी देखो कमांड चल रही है। किसी भी कमांड से बाहर आने का एक तरीका है क्या, कीबोर्ड में स्केप बटन को दबाना। स्केप का मतलब होता है बाहर आना, कॉर्नर में देखो एक बटन बनी होगी स्केप करके। चलो फिर से हमने सेलेक्ट किया, फिर से हमको ऑफसेट लेना है, तो ऑफसेट कमांड या फिर ओ इंटर, ओ कीबोर्ड में लिखो ओ इंटर, क्लिक करो कहीं पे भी, कहीं पे भी क्लिक करो आंख बंद करके, फिर डायरेक्शन बताओ किधर चाहिए ऑफसेट। मैंने कहा ऊपर की ओर, कितना 10 की स्पेसिंग पे, ठीक है 10 इंचेस की स्पेसिंग पे, इंटर कर दो। ये देखो 10 पे तैयार हो गया, और देख लो चाहे जितने करो, जब तक स्केप नहीं डालोगे तब तक आप इसको कर सकते हो। तो मैंने इतनी कमांड आपको बता दी है कि पेज नंबर 1 का सिविल वर्क बुक आप और पेज नंबर 1 का मैकेनिकल वर्क बुक बहुत आसानी से लगा सकते हो। बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लेना कि यार ये तो बड़ा इजी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हमारी फाउंडेशन अच्छी नहीं होती तो हम सब सिविल इंजीनियर है, हमको अच्छे से पता है हमारा बिल्डिंग गिरना ही गिरना है, तो उसको बोलते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, एक बहुत अच्छी कहावत है ये। तो मैं थोड़े राइटर वेटर हूँ तो थोड़े बहुत ऐसे लाइन तुम लोग को सुननी पड़ेगी। तो अधजल गगरी छलकत जाए मतलब आधा अधूरा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है, तो हमको छोटी छोटी चीजों को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। कई लोगों के पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा, ये भी एक क्वेश्चन आई होगी, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जिसके पास नहीं है उनको क्या करना है, फिलहाल तो मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है सॉफ्टवेयर, बट फिर भी नहीं है किसी के पास, तो गूगल क्रोम को ओपन करना है। अभी हम लोग आएंगे सबके क्वेश्चंस, आएंगे सबके क्वेश्चंस पे, तो वो भी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। जिसका जो क्वेश्चन है प्लीज डाल दो चैट बॉक्स में, बाकी लोग माइक ओपन करके भी पूछ लेना। तो यहाँ पे लिखना www.getintopc.com, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मैं प्रीफर करता हूँ उसको, इस पे जाना, यहाँ पे लिख देना, ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पे लिख देना AutoCAD 2016। अब हमने पहले भी सर्च किया था, हमारा तो बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है, और यहाँ पे कर देना गो, मतलब सर्च बॉक्स में डाल देना। आप सोच रहे होंगे सर कितनी छोटी छोटी चीज़ बता रहे हो, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जिसे सबको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। AutoCAD 2016 बहुत अच्छा है, मैं प्रीफर करूंगा ये, अगर आपके पास है तो ले लो इसको, बाकी सॉफ्टवेयर तो सभी एक ही है, बस स्पीड का प्रॉब्लम रहता है थोड़ा बहुत, 16 और 15 का स्पीड अच्छा है। अब यहाँ पे नीचे आओ, जब नीचे आओगे तो आपको मिलेगा, अभी देखो करना क्या है, नीचे आना, कुछ भी नहीं करना है, नीचे आराम से आओ, यहाँ पे देख लो आप 64 बिट, यही आपको लेना है। अगर आप 32 लेके बैठ जाएंगे आपका इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको 64 बिट लेना है और इसको डाउनलोड करके रख लेना है बस। तो ये 64 क्या है एक्चुअली, ये आपके विंडोज होते हैं, जो आप देखते होंगे ना दिस पीसी लिखते होंगे आप सब लोग, आप लिखते होंगे दिस पीसी, तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ होता है 64 बिट। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज करेंगे जब सिस्टम का, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो हमारा विंडोज है 64 बिट का है या 32 बिट का है। देखो यहाँ पे लिखा है क्या, 64 बिट, क्या लिखा हुआ है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके सारे सॉफ्टवेयर 64 बिट के ही चलेंगे इसमें। चलो अब सबके क्वेश्चंस का सॉल्व आंसर करता हूँ मैं, चलो एक एक क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, सबको देख लेते हैं। सर जो आपने स्लाइड दिखाया उसका किस वजन का है, ठीक है स्लाइड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पीडीएफ में रहेगा आप देख सकते हो। बीमलेस का क्वेश्चन का मैंने सॉल्व कर दिया डिस्प्ले का, बाकी लोग के पास क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो, क्लास इज ओवर, और जिसका क्वेश्चन नहीं है वो जा सकते हैं, फिर सुनना है तो आप सुन सकते हो। सर वो लेफ्ट में 2D फ्रेम्स में जो विजिबल है, ओके तो वो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर कुछ भी विजिबल नहीं है तो मे भी शायद ये अगर विजिबल नहीं हो रहा हो कई लोगों को, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है RIBBON। तो यहाँ पे देखोगे क्या है, रिबन क्लोज हो सकता है आपका, क्लोज हो रिबन,
तो रिबन क्लोज पे जैसे ही क्लिक करोगे तुरंत ये गायब हो जाएगा। देखो ऐसा तो अगर दिख रहा है अगर आपका स्क्रीन, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ऐसा स्क्रीन दिख रहा है तो सिर्फ आपको लिखना है आर आई डबल बी। तो जैसे लिखोगे रिबन का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक करोगे ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो मे बी अगर ये ऑप्शन ऑफ है तो कोई बात नहीं, अगर दूसरा कुछ है तो व्हाट्सएप करो मुझे, मैं देख के बता दूंगा। ठीक है, दूसरा है सर स्नैप ऑन करना जरूरी है। हाँ जी, स्नैप ऑन करना जरूरी है, उससे हम स्ट्रेट चीजें कर पाते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, और उसके बाद अमन का एक क्वेश्चन है कि सर 10-10 वाला एक बार फिर से बता दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, और जिसका क्वेश्चन है प्लीज डालते जाओ क्वेश्चन, हम सब क्वेश्चन बताएंगे। तो देखो 10-10-10 वाले में क्या होता है, जैसे मान लो एक सर के लिए है, एक सर के लिए है, इनके बीच में मुझे एक सर्किल बनाना है। तो उस सर्किल के लिए आप क्या करो, यहाँ जाओ और यहाँ पे जाके 10-10 रेडियस ले लो। क्या ले लो, 10-10 रेडियस, फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट। जैसे क्लिक करोगे इनके बीच में एक सर्किल बनाना है, तो उसके लिए कोई भी डायमेंशन दे दो, 30-40 जो भी दे दोगे बन जाएगा ये। ठीक है, हनी ने पूछा है कि सर विच लैपटॉप इज बेस्ट फॉर सिविल इंजीनियर। तो मैंने यार लैपटॉप तो अभी अभी जस्ट एक वीडियो बनाया था लैपटॉप पे, मैं तुमको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अगर नहीं देखा है तुमने देख लेना। उसमें मैंने एक 48,000 समथिंग का है, गेमिंग लैपटॉप है, सबसे बेस्ट लैपटॉप वो है, तो प्रीफर कर सकते हो उसको, तो मैं भेज दूंगा ग्रुप में देख लेना। यूनिट किया है सेट, ठीक है, यूनिट का हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, जो आप ड्राइंग कर रहे हैं, ओके वो यूनिट, ठीक है यूनिट बना दिया। ठीक है, जिसको क्लास कैसी लगी आप लोग जाके चैट बॉक्स में बता भी देना कि हाँ जी सर मजा आया है, समझ में आया, या जो नहीं समझ आया बोल देना सर ये मुझे नहीं समझ आया, सब लोग क्लास में जाके सॉरी ग्रुप में जाके बोल देना। सर जो आपने इमेज अटैच किया है उसको उसका साइज कैसे बदलेंगे, साइज के लिए थोड़ा सा वेट कर लो माहिर, तो मोहम्मद माहिर मैं थोड़ा सा अभी बिगनर्स भी है ना इसमें तो कंफ्यूज हो जाएंगे, स्केल कमांड है जो कल में आ जाएगी, कल हम लोग उसको पढ़ लेंगे, उसमें स्केल कमांड करना है। सर डिस्प्ले डिले हो रहा है एक्सप्लेन करते वक्त, इसका मतलब आपका नेट नाम आपका नेट स्लो है, प्लीज एक 21 रुपीज का जियो का रिचार्ज आता है उसको कर दो, तो रिचार्ज कर लोगे ना तो प्रॉपर स्पीड आएगी तो सही हो जाएगा, स्पीड का प्रॉब्लम है, आप एक बार वीडियो डाउनलोड करके देख लेना आपको क्लियर हो जाएगा। सर पॉलीलाइन से ड्रॉ करके ये लाइन से, सर पॉलीलाइन से ड्रॉ करें या लाइन से, हमेशा भावना हमेशा शायद लेफ्ट हो चुकी है, तो हमेशा आपको लाइन से ड्रॉ करना है। किससे ड्रॉ करना है आपको, लाइन से ड्रॉ करना है। पॉलीलाइन कभी कभी रेयर केस में यूज किया जाता है। ठीक है, बिलाल का एक क्वेश्चन है कि सर लाइन कमांड देकर डायमेंशन डाल रहे हैं तो डायमेंशन विजिबल नहीं हो रहा है, डायमेंशन विजिबल नहीं हो रहा है। बिलाल बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, देखो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन पूछोगे तो कितना मजा आएगा। तो आपका एक डायनेमिक इनपुट वाला ये जो ऑप्शन है ये ऑफ है, डायनेमिक इनपुट वाले ऑप्शन को ऑन कर लो तुरंत दिखने लगेगा आपका ये। ठीक है, पंकज का क्वेश्चन है कि सर 2016 इंस्टॉल नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2017 कर लो पंकज, 17 में भी अच्छा खासा सब कुछ चलता है, हो सकता है आपके लैपटॉप में कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रहा हो, 17 करो, नहीं होता है तो मुझे बोलो मैं आपको करवा के दूंगा, डोंट वरी, परेशान मत हो। ठीक है, चकमा प्रीतिमय ने बोला है सर ऑटोकैड एंड रैबिट में कौन सा अच्छा है। यार डेफिनेटली देखो जो ग्राउंड से सीखना अगर है अच्छे से तो उसके लिए आपको क्या करना है, अच्छा होगा कि आप ऑटोकैड से स्टार्ट करो, रैबिट बेहतरीन बहुत अच्छा है, इसके बाद मैं रैबिट भी सिखाने वाला हूँ आप लोगों को, लेकिन पहले ऑटोकैड इज इम्पोर्टेंट। बिलाल का एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि सर लाइन कमांड देकर डायमेंशन डाल रहे हैं, तो वो बता दिया मैंने, डायनेमिक इनपुट बंद है आपका। 64 बिट के पीसी के लिए क्वेश्चन आया हुआ है कि 64 बिट के पीसी के लिए क्या करना है, तो 32 बिट के लिए, तो 32 बिट के लिए जस्ट वो जो 64 था उसके जस्ट नीचे वाला 32 है हनी, तो 32 भी आप डाउनलोड कर सकते हो। दिनेश का एक क्वेश्चन है कि सर रिकॉर्डिंग लेक्चर भी सेंड करोगे। हाँ जी, रिकॉर्डिंग लेक्चर भी ग्रुप में मिल जाएगा आपको 15 मिनट बाद रेंडर होते ही। स्वामी का क्वेश्चन है कि कौन सा ऑटोकैड का वर्जन चलेगा 32 के लिए, और 15, 16 और 16 दोनों अच्छे हैं उसके लिए। विक्रम ने कहा सर नाइस एक्सपीरियंस, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी हाँ जी बोलो बोलो सर, जैसे अभी माइक लाइन कमांड हो सकते हो। हाँ सर, लाइन कमांड को हम पॉलीलाइन में कैसे करते हैं? अच्छा, लाइन कमांड को पॉलीलाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलो अच्छा क्वेश्चन है बता देता हूँ। तो देखो इनका क्वेश्चन है कि अगर ये लाइन ऐसे है और ये भी लाइन ऐसे है और फिर ये भी लाइन है और फिर इसको मिलाया है हमने, इसको हम पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जस्ट सबको सेलेक्ट करना, सबको सेलेक्ट करके जे फॉर ज्वाइन, जे इंटर, जैसे ही क्लिक करोगे, अब देखो ये अगर यहाँ पर जाओगे इनके तीन जो बच्चे हैं वो तीनों बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे, कौन कौन से, स्ट्रेच, एडवर्टाइज और कन्वर्ट टू आर्क, याद रखना है ये बहुत काम की चीज है। ठीक है,
वेलकम। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछ सकता है? विक्रम का ठीक है, विक्रम ने थैंक यू विक्रम, थैंक्स अ लॉट फॉर सच अ काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स। ओके थैंक्स, अपना कोशिश पूरा करूंगा जनरल, बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा कि बेस्ट किया जाए। सर ऑटो के 2018 वर्जंस का ऑटो कैड डू आई डू नीड टू इंस्टॉल 16? इफ यू हैव 18 यू कैन यूज 18 और 16, कोई भी वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं यार। सिर्फ मैं मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए हमें बस, ठीक है। जॉब ने थैंक्स फॉर एवरीथिंग। ओके i7 सेकंड जनरेशन लैपटॉप सही है। अरे मैं i3 चला रहा हूं, i3 में काम हो रहा है। हां जी बोलो अमन। हां सर, बोल रहा है कि हम 2020 यूज करते हैं, हां पर बहुत दिक्कत होता है, स्लो है, और वो जो 2016 का जो वर्जन है ना वो हमारे लैपी में सपोर्ट नहीं ले रहा है। तो 15 कर दो, मतलब कैसे वो डाउनलोड करते वो हमें पता नहीं है। अच्छा 15, अरे गेट इनटू पीसी पे नहीं देखा क्या? हाँ सर, गेट इनटू पीसी जो भी .com में दिखाया मैंने, साइट वेबसाइट दिखाया ना, वहां से डाउनलोड करने के लिए। ओके सर, वो नोट कर लिया पर ट्राई कर रहा हूँ वो नहीं रहा। अच्छा मतलब डाउनलोड किया है कि नहीं? अच्छा है नहीं, साइट पर अवेलेबल नहीं है क्या 15? मुझे लगता है तो मैं 2015 में ग्रुप में दे देता हूँ, मैं ग्रुप में दे दे रहा हूँ, आप उसको डाउनलोड कर लो। 16 भी दे देना, 16 ठीक है, 16 तो मैं ग्रुप में दिया हूँ ऑलरेडी दिया हूँ ब्रदर, 16 मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है ग्रुप में, एक बार आप चेक कर लो, फिर से भेज दूंगा, फिर से भेज दूंगा। ठीक ठीक मैं फिर से भेज दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। और ओके ओके ठीक है, बिलाल ने बोला समझ आया, थैंक यू बिलाल। और उसके बाद अदनाम का है, सर पॉलीलाइन को लाइन में कन्वर्ट करना हो तो ठीक है, बता दिया मैंने, पॉलीलाइन को लाइन में कन्वर्ट करना है तो एक्स इंटर, यहाँ पर होता है एक्स इंटर। ये देखो अभी हम लोग क्या डाउट सेशन चल रहा है, ऐसे ही क्लास के बाद हम लोग डाउट सेशन पर रहेंगे, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में सब पूछो, अपन सब बताएंगे। यहाँ पे क्या करना है, पॉलीलाइन को अगर लाइन में कन्वर्ट करना है तो एक्स इंटर, एक्स मतलब एक्सप्लोड, जैसे बम एक्सप्लोड हो जाता है ना वैसे ही एक्सप्लोड होता है ये, जैसे इंटर करोगे सब टूट गया है। अब देखो इनका दिल टूट चुका है, ये देखो ये भी टूट चुका है, ये भी टूट चुका है, ये टूट चुका है, फिर से ज्वाइन करना है, फिर से सेलेक्ट करो, फिर से रिलेशनशिप में आ गया, ये देखो अच्छे तरीके से। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट है बिमलेस का क्वेश्चन, ठीक है डाउनलोड करना लाइफ टाइम के लिए रहेगा? हाँ जी बिमलेस लाइफ टाइम के लिए रहता है, डोंट वरी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अभी सबको समझ आ गया, और मैं अभी 10 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग आप सबको भेज दूंगा आपके ग्रुप में 15 मिनट के बाद, तो आप लोग देख लीजिएगा। सर सेलेक्ट करते वक्त ग्रीन और ब्लू विंडो एक्सप्लेन करें, थोड़ा टाइम दो जो है आगे बताऊंगा, वो चीज थोड़ा सा आगे है, मतलब अभी बिगनिंग लेवल पे नहीं है। चलिए थैंक यू सो मच क्लास को ज्वाइन करने के लिए, मजा आया आप लोग के साथ मुझे, और कल हम लोग और ज्यादा मजे से काम करने वाले हैं, जैसे जैसे आगे चलेंगे और मजा आएगा, ठीक है। चलो गुड नाइट सबको, गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट सर। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो थोड़ी लंबी होती है क्योंकि आपको यार एक घंटे का लाइव लेक्चर है, मैंने कोशिश किया है और सोचा भी है कि जो समेशन ड्राइंग का होगा, जो बिल्डिंग बाय लॉ के बारे में होगा, रेरा के बारे में जो कुछ होगा वो सब कुछ मैं आपके साथ यहीं पे शेयर कर दूंगा इसी प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि हम लोग ज्यादा लोग इस पे देख पाए। और देखो यार लाइव क्लास में एक सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आपका माइंड जो होता है वो क्लास के लिए बन जाता है कि भाई क्लास करना है इस टाइम पे, और उस टाइम पे आप बैठ के नोटबुक लेके बैठ जाते हो अच्छे तरीके से। और दूसरी अच्छी चीज ये है कि मैं इसके बाद रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग शेयर करने से क्या फायदा होता है, आपका जो कॉन्सेप्ट वहां पर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, क्योंकि सबका माइंड है यार, आपका भी माइंड है हमारा भी माइंड है, तो भूल जाते हैं। मैं खुद भी लाइव लेक्चर लेता हूँ तो कभी कभी कुछ चीजें भूल जाता हूँ, मतलब खुद जब पढ़ता हूँ तो जो रिकॉर्डिंग अगर मुझे मिल जाती है तो मेरे लिए बहुत ईजी होता है, तो वो चीज मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ जो आपके लिए काफी यूजफुल होता है। होप ऐसे ही आगे भी आप ढेर सारे क्लासेस, ढेर सारे स्किल्स ऐड करना चाहोगे सिविल इंजीनियरिंग में, टेंशन मत लेना, जैसे ही मार्केट खुलता है मैं आपको जॉब के लिए भी हेल्प करूंगा, जितना कुछ हो सकता है यूनिक सिविल के थ्रू, यूनिक सिविल आपको पूरी की पूरी हेल्प करेगा। अभी हम लोग एक ऐप बना रहे हैं और उस ऐप पे काम स्टार्ट हो गया है, उसमें मैं जॉब अपडेट्स निकालने वाला हूं, एक पर्सनल उसके लिए काम के लिए एक बंदा हायर करने वाला हूं, जो सिर्फ और सिर्फ ये देखेगा पूरे इंडिया में कहाँ ओपनिंग है, तो हमारे ऐप पे वो चीजें आपको शेयर होती रहेंगी, भाई यहाँ ओपनिंग है अप्लाई करो जाओ, अप्लाई करो जाओ, ऐसा मैं अभी रूल बना रहा हूँ। तो डेफिनेटली आप लोग सपोर्ट ऐसे ही करते रहेंगे, इतना ज्यादा सपोर्ट तो मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना सपोर्ट आएगा, लेकिन आप लोगों ने किया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप सुन लेंगे तो मेरे लिए काफी अच्छा होगा, मेरा आकाश पांडे ब्लॉग वाला एक चैनल है, कम्युनिटी में मैं उसको और साथ ही साथ यहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे यूनिक सिविल के मेंबर्स वहाँ पे भी मुझसे जुड़ जाइए, और वहाँ पे जब मेरे से जुड़ेंगे तो मेरी एनर्जी और डबल हो जाएगी। तो कुछ कंटेंट ऐसे रहते हैं जो कि रिलेटेड टू सिविल रहते हैं,
बट एजुकेशन से हट के रहते हैं, वो ब्लॉग चैनल है तो उसमें मैं शेयर कर सकता हूँ। इस चैनल पे मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन कंटेंट ही देना चाहता हूँ, जैसे कि ऐसा होता है ना कि अगर कटोरी है जिसमें एक दाल देना है तो वो सेपरेट रहता है, एक में चावल देना है सेपरेट रहता है, तो क्या होता है खाने में भी मजा आता है और मर्ज हो जाता है तो खोजने में टाइम लगता है कहाँ गया कहाँ गया। सो जाके फटाफट आकाश पांडे ब्लॉग वाला चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले ही लिंक दिया है, जाके फटाफट क्लिक करके अगर आप लोग उसको लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और डेफिनेटली उस चैनल पे मैं आपको इतने कंटेंट दे दूंगा क्योंकि उस चैनल के थ्रू मुझे कहीं ना कहीं आप ज़्यादा लोगों से आप मिलने का मौका मिलेगा। मेरे पास कई प्रोजेक्ट ऐसे आते हैं जो मैं नहीं कर पाता हूँ, तो आप ऐसे कई दोस्त ऐसे होंगे जो कई एरिया अपने एरिया में उनको मैं प्रोजेक्ट सबमिट कर सकता हूँ कि चलो हम लोग आपस में मिलकर प्रोजेक्ट करते हैं। इसलिए उसको शेयर, उसको जल्दी से जल्दी लाइक कर लो और उसमें मेरे साथ जुड़ जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।